नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारे एक पुराने स्टूडेंट हैं जिन्होंने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग ली थी मुझसे ऑनलाइन, तो उनका एक सवाल है। वो कहते हैं उनके पास इस तरह का डेटा है जहाँ वो चेकलिस्ट करते हैं, जैसे कि उन्होंने यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया, यहाँ पे क्रॉस कर दिया, प्रेजेंट कर दिया। तो उनका कहना है कि मैं सिर्फ एक ही डेट में टाइप कर सकूँ, ना आगे की डेट में ना पीछे की डेट में, सिर्फ एक ही डेट में मैं टाइप कर सकूँ, इसके अलावा किसी और डेट में मैं टाइप ना कर सकूँ। और जैसे ही डेट खत्म होगा, तो जैसे डेट खत्म हुआ तो उसके अलावा जो है बाकी डेटों पे टाइम ए लग जाए, मतलब कि प्रोटेक्शन लग जाए। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सीट व्यू कोड पे जाऊंगा। यहां पे सिलेक्शन पे आता हूं और सिंपल सा हम यहां फंडा देंगे कि जिस कॉलम पे हम क्लिक कर रहे हैं उसका जो हेडिंग है, एक्टिव सेल का जो ऊपर टॉप का हेडिंग है, अगर वो एग्जैक्ट हमारा आज का डेट है तो इस पूरे कॉलम को प्रोटेक्शन, इस पूरे कॉलम को प्रोटेक्शन से बाहर रख दे, अदरवाइज प्रोटेक्शन से बाहर रखना है। मान सिंपल सा यहां पे हमें सबसे पहले इफ कंडीशन लेना है कि यहां पे सबसे पहले हमें करना है डिम आर एज ए रेंज, और फिर हमें देना है सेट आर इक्वल टू एक्टिव रेंज में यहां पे रो जो होगा वन होगा, फिर यहां पे सेल्स करना, मान यहाँ पे सेल्स कर देता हूँ, सेल्स यहाँ पे हमें रो वन करना है एंड कॉलम करना है एक्टिव सेल डॉट कॉलम, और कंडीशन देना है कि इफ आर डॉट वैल्यू equal to date then sales, यहाँ पे इसके बाद active seat one जो भी दे दीजिए, यहाँ पे मैं seat two dot unprotect and 12, उसके बाद sales dot इसमें अलग होता है इसका, जैसे कि मुझे अगर इसको क्या करना है पूरे सीट को सिलेक्ट कर, पूरे हमको क्या करना है कि पूरे सीट को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे फॉर्मेट सेल पे जाके इस पर लॉक लगा देना है और एक डेट जो है कॉलन है उसमें लॉक्ड हटा देना है और फिर इसको प्रोटेक्ट कर देना है। सिंपल सा काम हमें करना है। तो यहाँ पे हम पहले तो करेंगे अनप्रोटेक्ट, क्योंकि मुझे सेल्स पे हटाने के लिए लगाने के लिए चाहिए ना, इसलिए हमने यहाँ से सेल्स डॉट सेलेक्ट सिलेक्शन डॉट लॉक ट्रू सेक्शन डॉट्स, यहाँ पे सेल्स सेलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं, मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पे रख देता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं
डॉट एंटायर कॉलन डॉट लॉक्ड लॉक्ड इक्वल टू फॉल्स। और फिर यहां पे सीट टू डॉट प्रोटेक्ट इक्वल टू हम पासवर्ड डाल देते हैं। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पे इक्वल नहीं होगा, माफ कीजिएगा। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करेगा तो यहां पे अब मैं टाइप कर सकता है, बट यहां पे टाइप नहीं कर सकता और ना ही मैं यहां पे टाइप कर सकता हूं। तो टाइप कहां कर सकता हूं? सिर्फ यहीं पे टाइप कर सकता हूं। तो कोड को हमने क्या किया, सिंपल सी बात बोली, हमने बोला कि हम कहीं भी सीट के कहीं भी ऊपर हम क्लिक करेंगे, क्योंकि टाइप करने के लिए हमें क्लिक तो करना पड़ेगा। कहीं भी हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करते समय वो चेक करेगा कि ऊपर की जो हेडिंग है, तो ऊपर की हेडिंग के लिए हमने या आर ले लिया और यहां से हमने बोला यहां पे ले लिया हमने आर डॉट कॉलन वन रो एंड कॉलन हमने सिलेक्शन से निकाल लिया। अगर वो इक्वल टू डेट है तो पूरे सीट को अनप्रोटेक्ट करे, सेल को लॉक्ड कर दे और सिर्फ इंटायर ये जो कॉलन है जो हमने कहा जहां कर्सर रखा है उसको अनलॉक्ड कर दे और फिर वापस पासवर्ड डाल दे और ये चीजें सारी चीजों में चलेगी। तो आई होप जो पैरामाउंट वाले हमारे व्यूअर हैं उनको समझ में आ गई होगी और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। तो आपको भी किसी तरह की प्रॉब्लम है तो मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या मुझे फोन कर सकते हैं। थैंक यू।